गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी इंट्राडे एनालिसिस पे आपका स्वागत है। ये डॉलर रुपी एनालिसिस ड्यूरिंग द डे। यहाँ पे मंथली में अगर हम देखेंगे तो सितंबर मंथ का जो कैंडल है बहुत ही बिग कैंडल हुआ है, रेंजिंग बिटवीन 7903 द लोअर साइड एंड 82.00। इट्स ए 3 रुपी रेंज कैंडल। और अभी जस्ट अक्टूबर मंथ का आज फर्स्ट डे है, जो अभी 81.77 पे रेट चल रहा है। वीकली में अगर हम देखेंगे, वीकली में भी जो कैंडल बनाया हुआ है इससे ग्रीन कैंडल, बट प्राइस रिजेक्शंस फ्रॉम द टॉप। टॉप क्या है, 82.00, वहां से और क्लोज दिया है 81.50। सो 50 पैसा का एक प्राइस रिजेक्शंस ऑन द हायर साइड। सो व्हाइल बाइंग इन दिस पर्टिकुलर जोन, मींस 81.72, 82.001, नीड्स टू वी वेरी केयरफुल। अगर इसको हम डेली में देखेंगे, डेली में अभी पहले प्राइस 22 सितंबर ऑनवर्स जो प्राइस था वो अपर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड में 22, 23, 26, 27, 28 तारीख का जो प्राइस था वो फर्स्ट टाइम अंदर क्लोज दिया। उसके बाद 29th एंड 30th को क्या हुआ, यहाँ पे स्मॉल बॉडी कैंडल फॉर्म हुआ है, जहां पे प्राइस रिजेक्शंस ऑन 29th फ्रॉम द हायर साइड एंड 30th ऑन बोथ द टू साइड्स। आज काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रहा है सिंस मॉर्निंग। सो यहाँ पे प्राइस का एक वॉलिटिलिटी डाइवर्जेंस दिख रहा है। व्हाट इस मींस वॉलिटिलिटी डाइवर्जेंस मींस व्हेन द प्राइस इज आउटसाइड द बॉलिंजर बैंड। इन दिस केस इट इज आउटसाइड द अपर बॉलिंजर बैंड, तो वहां पे वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा होता है। एंड वेन प्राइस ट्रेड्स विद इन द बॉलिंजर बैंड तो उसका वॉलिटिलिटी थोड़ा सा कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वॉलिटिलिटी डाइवर्जेंस दिख रहे हैं, यानी हायर वॉलिटिलिटी से अभी मॉडरेट वॉलिटिलिटी। अभी ये स्क्वीज जब करेगा वो वेरी लो वॉलिटिलिटी हो जाएगा। स्क्वीज का मतलब समथिंग लाइक दिस, व्हेन अपर बैंड एंड लोअर बैंड इज अप्रोचिंग नियर बाय, इन सच ए केस वो वॉलिटिलिटी एकदम कम हो जाता है, वॉलिटिलिटी एकदम श्रिंक हो जाता है। एंड उस श्रिंकेज के बाद जो एक अप मूव या डाउन मूव आइदर साइड ब्रेकआउट देता है, उसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम हम देख सकते हैं। तो नाउ इट्स ए मॉडरेट वॉलिटिलिटी प्राइस एक्शन इज गोइंग ऑन। इसको 4 आवरली में अगर देखेंगे, 4 आवरली में आप यहाँ पे जो दो प्रीवियस रिसेंट स्विंग हाइस को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बना हुआ है। करंट कैंडल हमें देखना पड़ेगा कि ये इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। मेयर मींस क्लो ब्रेकिंग अबव इज नॉट सफिशिएंट, वेदर इट इज एबल टू सस्टेन अबव दिस ट्रेंड लाइन वी नीड टू सी। अगर हम इसको आवरली में देखेंगे, आवरली में भी हमें जो दिख रहा है वही कि पहला वाला जो कैंडल है मींस 8:30 to 9:30 का वन, दिस इज आवरली कैंडल, वो आउटसाइड बोलिंजर बैंड बन चुका है। उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल दिया है एंड देयर आफ्टर 2 कैंडल्स सब्सिक्वेंटली इनसाइड द बोलिंजर बैंड। सो लास्ट रिसेंट 2 आवरली कैंडल्स में थोड़ा सा वॉलिटिलिटी कम है। अभी ये एक ग्रीन कैंडल बनने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये कैंडल कंप्लीट होने के बाद, यानी 11:30 to 12:30 का कैंडल कंप्लीट होने के बाद, 12:30 to 1:30 का कैंडल अगर इस टाइप का एक रेड कैंडल बनाते हैं जो आपका ये ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोज दे देता है, इन सच ए केस आवरली बेसिस में हम कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें हाई अलर्ट पे रहना पड़ेगा फॉर इफ समवन वांट्स टू सेल। बाइंग के लिए भी बराबर बन नहीं रहा बिकॉज इट इज एट द रेजिस्टेंस लेवल, तो रिस्क रिवार्ड बनेगा नहीं। आप कोई भी बाई करके यहाँ पे 5 पैसा 10 पैसा मीन्स आराम से टीपी बुक कर सकते हैं, बट द रिस्क टू रिवार्ड जो इफेक्टिव है उसमें यहाँ पे बैठ नहीं रहा है बिकॉज इमीडिएट रेजिस्टेंस इज देयर। दैट रेजिस्टेंस इज देयर दैट डजंट मीन कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। हमें देखना है कि प्राइस क्या कर रहा है, रेदर देन मीन्स टेलिंग द मार्केट कि देख ये हो रहा है अभी ये होगा। नो, हमें न्यूट्रली प्राइस को ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे क्या हो सकता है। अगर हम इसको
15 मिनट में देखने का कोशिश करेंगे, 15 मिनट में भी एक आउटसाइड इनसाइड बनने का प्रोसेस में है। अभी देखिए यहाँ पे हाई वॉलीटिलिटी एक्टिविटीज था ये पर्टिकुलर टेरिटरी पे, एंड प्राइस अभी ऑलमोस्ट वहीं पे है, लेकिन क्या हो रहा है, वॉलीटिलिटी डाइवर्जेंस, दैट इज ये थोड़ा सा प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन उसमें वॉलीटिलिटी कम है। अभी इसमें हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट डालेंगे, इसके नीचे अगर क्लोज दे देता है, इस लो के नीचे अगर क्लोज दे देता है, तो हमारा जो इमीडिएट टारगेट फिर आज का अभी थोड़े देर पहले का जो रिसेंट स्विंग लो, दैट इज 81.65 आ सकते हैं। वो 81.65 के बाद अगर इसके उसके बाद अगर हम इस सपोर्ट लाइन के नीचे अगर आने वाले कुछ कैंडलों में क्लोज दे देता है इसके लो के नीचे, देन हम उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 81.53। तो अभी ये ट्रिगर हुआ नहीं, दीज आर ऑल द एंटिसिपेशंस। पहले तो कैंडल को ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज देना है, उस देन इन सच ए केस वी मे एक्सपेक्ट 81.65। 81.65 के नीचे अगर नेगेटिव कैंडल दे देता है, प्राइस एक्शन अगर नेगेटिव आते हैं, देन वी मे एक्सपेक्ट फर्दर डाउनवर्ड टुवर्ड्स 81.52 के तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी ये तो हो गया डॉलर रुपी स्पॉट प्राइस। थोड़ा सा करेंसी फ्यूचर में हम देखने का कोशिश करते हैं। करेंसी फ्यूचर ये है आपका अक्टूबर सीरीज। तो यहाँ पे अगर दो स्विंग हाई को हम ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बना हुआ है। अभी अगर इसको जाना है ऊपर, तो इसके ऊपर क्लोज देना चाहिए, देन एंड ओनली देन वी कैन थिंक अबाउट द सेलिंग प्राइस, सॉरी बाइंग प्राइस। तो यहाँ पे अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चले जाते हैं तो हमारा प्रोबेबल टारगेट हो सकते हैं ऑन द हायर साइड 82.18। ध्यान रहे ये करेंसी फ्यूचर अक्टूबर फ्यूचर का रेट है, करेंटली जो है 81.99, नॉट द स्पॉट प्राइस। यहाँ पे हम एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं 82.30 एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस टू टारगेट्स हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू फेवरेबल क्लोज अबव दिस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। इसको अगर हम 15 मिनट में देखने का कोशिश करेंगे तो वही है आपका, यहाँ पे एक आउटसाइड इनसाइड बना रहा है, पहले आउटसाइड गया फिर इनसाइड। अभी इसको आउटसाइड इनसाइड का अगर रिजल्ट देना है तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज देना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। तो इसके नीचे क्लोज देगा तो हम ये जो नेक लाइन है वहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 81.86। ये अगर आ जाता है यहाँ पे 81.86 के नीचे अगर क्लोज दे देते हैं तो हम एम पैटर्न के लिए खेल सकते हैं, एम पैटर्न के लिए जो हमारा टारगेट हो जाएगा आपका 81.73। तो अभी दिल्ली बहुत दूर है क्योंकि अभी तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं दिया है, इसको क्लोज देना है ट्रेंड लाइन के नीचे अगर सेल करना है तो। इन द मीन टाइम हम इमीडिएटली बाय करने से भी रिस्क रिवॉर्ड जमेगा नहीं, बिकॉज इमीडिएट रेजिस्टेंस इज देयर। सो इंट्राडे करेंसी एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। विश यू ए वेरी गुड डे।